नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपने विधानसभा डोईवाला के भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की रीति नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण शिविर में सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद हमारी पार्टी और फिर मैं हूँ। उस राजनीतिक चरित्र को हर समय ध्यान में रखते हुए कहीं भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता न करना पड़े, और हमारे लिए सबसे पहले ये हमारा राष्ट्र है, फिर हमारे लिए हमारी पार्टी है। तो सर्वोच्च स्थान जिस दल के राजनीतिक विचारधारा में राष्ट्र को है, फिर पार्टी को है, फिर मैं अपना स्थान, ये तीसरा है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है ये अन्य दलों से पार्टी की रीति नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत का डोईवाला दौरा, इस दौरान में भाजपा मंडल के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है, पार्टी की रीति नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बैठक की, कौशल विकास और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए बैठक की। रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं मिशन मोड में हो संचालित, युवाओं को मिले अधिक से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। विभागीय सचिवों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जिम्मेदारी सौंपी, प्रशिक्षित युवाओं को प्रभावी मार्गदर्शन दिया जाए। प्रशिक्षित युवाओं को प्रभावी मार्गदर्शन दिया जाए। फहीम है हमारे साथ में, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, अब जरा ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, सरकार कौशल विकास और स्वरोजगार को लेकर के काफी कोशिशें कर रही है, और उसी कोशिश के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों भी निर्देश दिए थे। जो राज्य सरकार का कौशल विकास वाला विभाग है और आजीविका एक मिशन है, जो भारत सरकार का भी मिशन है और राज्य सरकार का भी उसमें स्टेक चल रहा है, तो इन दोनों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि राज्य में आजीविका विकास करने को बढ़ाने के नजरिए से, उसके मद्देनजर जो अभी रिवर्स पलायन एक तरीके से हुआ है कोरोना काल में, और उत्तराखंड में काफी बड़ी तादाद में लोग वापस पहुंचे हैं, तो उनके अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। तो लिहाजा, और इसमें पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है अलग अलग जिलों की, उसमें फिर ये समीक्षा बैठक बुलाई मुख्यमंत्री ने, और विभागों के साथ एमओयू हुआ है ताकि त्रिपक्षीय समझौते के तौर पर स्वरोजगार को बढ़ाने को लेकर के काम हो सके, जिसमें भारत सरकार की योजना और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं दोनों सम्मिलित है। तो ये कौशल विकास उसी नजरिए से महत्वपूर्ण है पूजा जी, की जब रोजगार देना तो फिर सरकारी नौकरियों की तरफ भी मुतवज्जो हो जाता है व्यक्ति, लेकिन अगर स्वरोजगार बढ़ाने को लेकर के है तो एक उद्यमिता विकास होती है, उससे उद्यमी तैयार होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होती है।
तो लिहाजा ये इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार इस पर काम किया गया और आने वाले दिनों में स्वरोजगार को बढ़ाने को लेकर के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हों, इसका यही प्रयास है जी। फाइन बने रहेगा हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी खबरों पर अपडेट के लिए। वहीं देहरादून में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों के प्रति चिंता जताई है। स्कूलों में जल्द ही हालात अच्छे होने की संभावना है, जल्द ही स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद वो जता रहे हैं। कल से स्कूल खुले थे, बच्चों की संख्या बहुत कम रही, समस्या बड़ी है लेकिन हालात सामान्य हो जाएंगे, अरविंद पांडे कह रहे हैं। इस मुसीबत चिंतनीय बहुत चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में स्कूल खोलने के लिए हमारे अध्यापक अध्यापिका बहने तैयार हुई और आज पहला दिन था और मैंने फीडबैक लिया है, कहीं कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं और सब जगह सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर इसकी व्यवस्था थी और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ और आपके माध्यम से समस्त जो प्रदेश के शिक्षक हमारे अभिभावक हैं, मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि यह सबका सामूहिक जिम्मेवारी है, सबको एक होकर इसको मात देना है और अपने बच्चों के जीवन को बचाते हुए पढ़ाई भी करनी है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है और स्कूल भी आगे खुले, इसमें हमें आप लोगों का फहीम लगातार बने हैं। फहीम, उम्मीद जताई जा रही है कि हालात बहुत ही जल्द सामान्य होंगे क्योंकि स्कूलों में बच्चे अभी पहुंच नहीं रहे, जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी श्योर नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए ये समस्या के तौर पर अगर इसे देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी समस्या रही कोरोना काल में और बंद है तो पहले भी स्कूल तो हमने देखा तो ऐसे थे जिसमें 10 से 12 15 तक बच्चों की संख्या थी स्कूल में। आमतौर पर हाई स्कूल और इंटर के अगर तीन तीन चार चार सेक्शन भी होते हैं तो 200 से 250 की संख्या होती है हर स्कूल में कम से कम बच्चों की, लेकिन 10-12 बच्चे पहुंचना और मैक्सिमम 30 से 35% राज्यों का जो रिपोर्टेड है वो है तो ये कम आंकड़ा है। और जिस तरीके की जा रही थी कि अभी शायद संशय के चलते माता पिता अभिभावक स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे और वही तस्वीर सामने देखने को मिली है तो लिहाजा उसी के मद्देनजर मंत्री ने इस बात को कहा है कि देखिए समस्या तो बड़ी है निस्संदेह लेकिन इसके हालात सुधारने के लिए जो कोशिशें हैं वो जल्दी ही सामान्य हालात होंगे, उस कोशिशें पूरी होंगी और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है एक तरीके से शिक्षा विभाग ने और मंत्री ने भी जो व्यवस्थाएं हैं SOP हैं मानक है कोरोना से उनको अपनाया जा रहा है तो जल्दी ही अभिभावकों का भरोसा जब तक इस पर नहीं जमेगा पूजा तो ये कहना मुश्किल है कि बच्चे स्कूल पहुंच पाएंगे। कल जब हमने पहले दिन बात की थी प्रिंसिपल से भी बात की स्कूल के स्कूल शिक्षकों से भी बात की जो जो सहमति पत्र था वो भरने के बावजूद भी कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा सकते जिस चलते तो ये संशय है धीरे धीरे लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी हालात सामान्य होंगे और फिर स्कूलों में कम से कम हाई स्कूल और इंटर की अगर तादाद बच्चों की बढ़ेगी दूसरे और जो छोटे उनके स्कूल को सरकार विचार कर। अच्छा, अभी जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और कदम उठाने की बात भी सरकार कर रही है क्या अभी तक? देखिए इसमें कदम उठाने को लेकर के तो पहले दिन का दिन का भी जो स्कूल है उसमें भी तादाद बच्चों की कम है पूजा तो शिक्षा विभाग ये देख रहा है अभिभावकों को ये टोर किया जाए कि सुरक्षात्मक तरीके से स्कूलों में पढ़ाई होगी। इसमें एक अपडेट ये भी है कि जब कल पहले दिन स्कूल तो एक खेत में एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया था और वहां पर 3 दिन के लिए स्कूल है तो ये संभावना पहले से है जब स्कूल तो कुछ बच्चे संक्रमित हो सकते हैं फिर उसके बाद उन स्कूलों को लेकर के जो एक्शन लिया जाना है जिससे उठाए जाने हैं तो ये संभावना बनी हुई है लेकिन बावजूद इसके फिर भी स्कूल तो खुले हैं और खुल रहे हैं अभी तो इनको आगे किस तरीके से मोटिवेट अभिभावकों को किया जाए और सुरक्षा बनी रहे सावधानी बनी रहे इसको लेकर के अभी शिक्षा विभाग देख रहा है जी। चलिए बहुत शुक्रिया फहीम, आपके पास फिर वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। खबर देहरादून से है, कुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक हुई है, मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई है, बैठक में मेले से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फहीम लगातार बने हैं। फहीम, 2021 का ये कुंभ मेला कई मायनों में बहुत खास है, एक धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है, दूसरा ये
कि चुनाव से पहले एक बड़ा आयोजन है जिसमें अगर सरकार सफल होती है तो चुनाव में क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जाएगी, ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात क्या है कुंभ को लेकर? फहीम, चलिए फहीम से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें निर्देशित किया जा रहा है कि ये जो मेला है उससे संबंधित सभी अधिकारी सजग हो जाएं, संजीदा हो जाएं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही न सरकार कोई बरतना चाहेगी और ना ही ये बरतने की इजाजत अधिकारी को होगी। बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। देहरादून को स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य शुरू करना पड़ा है और निर्माण कार्यों से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही स्थिति बदल जाएगी। जिन सड़कों पर काम चल रहा है वो पूरा हो चुका है और कहीं पर काम चल रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी के काम समय से पहले ही 2021 तक पूरे हो जाएंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य में 1400 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। अभी जो काम चल रहे हैं उसमें कुछ दिक्कतें भी अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, या ये सही से काम हो रहे हैं लेकिन चूंकि काम हो रहे हैं तो फिर लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें उठानी पड़ रही है? देखिये, जब स्मार्ट सिटी हमारी थर्ड राउंड की स्मार्ट सिटी थी और देहरादून स्मार्ट सिटी को भारत सरकार की तरफ से मोस्ट प्रोग्रेसिव स्मार्ट सिटी का दर्जा भी हासिल है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर में ही अपनी रैंक 99 से 8वीं कर ली थी। तो काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। कोविड की वजह से डेफिनेटली लॉकडाउन में काम थोड़े स्लो हुए थे, लेकिन आज जो काम चल रहे हैं वो जो नॉर्मल पेस है उससे तेज काम हो रहे हैं। जिस रफ्तार से हमने प्लान किया था उससे तेज काम हो रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे 3-4 महीने कोविड की वजह से हम काम नहीं कर पाए हैं उनको भी हम जल्दी कवर अप कर पाए, और यही रीजन है कि स्मार्ट सिटी के काम जनरली 2 शिफ्ट में किए जा रहे हैं। दिन में भी काम होते हैं और रात में भी काम चलता है। जहां तक सड़कों का सवाल है, आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी ने बहुत उन्नत टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे अपना काम कर रही है। जैसे कि पहले सीवर लाइन खुदा करती थी, पूरी खोद करके सीवर लाइन डालते थे, सड़क को बंद करते थे। आज हमने स्मार्ट रोड के नीचे लगभग 90% सीवर लाइन डाल दी है, हमारी पाइप ब्रशिंग और एचडीडी टेक्नोलॉजी से टनलिंग करके, और हमने किसी भी रोड को बंद नहीं किया। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर रहे हैं। इस समय हमारी डक्ट जो है वो डाली जा रही है, और ये मल्टी यूटिलिटी डक्ट डालने के बाद उसके जो बार बार सड़कें खुदा करती थी वो बंद हो जाएंगी। हाँ, मैं डेफिनेटली इतना कहूंगा कि आज थोड़ी तकलीफ लोगों को हो सकती है कि रास्ते में काम चल रहा है तो इस वजह से उतना स्मूथ ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब स्मार्ट सिटी के सारे काम पूरे हो जाएंगे तो आपको एक बेहतर सुविधा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का देहरादून दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बात भी आती है कि जहां सड़कों पर जिस पर काम हो गया है वहां पर ऊपर से अभी ब्लैक टॉप उसका ठीक नहीं हुआ है तो वो अटका हुआ है, तो क्या ऐसा भी संभव है या ऐसा प्लान में है क्या कि जहां सड़क ठीक हो गई, काम हो गया नीचे, उसको ठीक कर दिया जाए, या सब एक साथ ही होगा? नहीं, देखिए, हमारी सड़कें ठीक की जा रही हैं। क्रॉस रोड, बलबीर रोड जैसी रोड्स हैं इनको ठीक किया जा चुका है, और हमने जो PWD है उन्हें पैसा भी जो भी रिपेयरिंग का है वो रिलीज कर दिया है। वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमने ये प्लान किया है कि जैसे जैसे हम रोड हैंड ओवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे PWD उस पर काम करके रोड को जो पैच वर्क है वो ठीक करेगी, और इसकी जो पैचिंग का काम है मुझे लगता है कि अगले 15 दिनों में ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से समस्त देहरादून नगर निगम निवासियों को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज हमें थोड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है, उसके लिए हम सब पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि लोगों को कम से कम कष्ट हो, लेकिन मैं डेफिनेटली आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब ये सारी चीजें बंद करके सामने आएंगी तो आपको देहरादून एक अति सुंदर रूप में दिखाई पड़ेगा। कब तक ये जो फूड फूड का काम है, बनावट का काम है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी बड़ा बनना है, प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, ये कब तक कम्प्लीट हो सकता है? देखिए, जो हमारा स्मार्ट सिटी का टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो जून 2022 तक का है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि अगले साल नवंबर 2021 तक हम सभी कार्यों को पूर्ण कर पाए। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे CEO आशीष श्रीवास्तव जी। आमतौर पर आश्वस्त करते हैं कि जो दिक्कतें हो रही हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी और स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून बहुत जल्द लोगों के सामने होगा। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फहीम तनानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने कहा कि बीजेपी राज में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, बीजेपी सरकार हाथों में हाथ धरे बैठी है, आलू प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएगी। शहर अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने कहा कि सरकार अपने सारे कदम पर विफल साबित हुई है और हम लोगों की मदद करते रहे हैं। गरीबों को प्याज आलू जब महंगाई आई है उन्होंने उसको बांटे हैं और सस्ते ऋण दिए हैं, और ये सरकार जो है किसी काम की नहीं है। जनता जान चुकी है इनको, इनकी हार 2022 में निश्चित है। कांग्रेस जब 2022 में आएगी फिर अपने एजेंडे में अपना काम करेगी, इससे जनता फिर खुशहाली होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी सपना श्री का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी सपना श्री ने उनके घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने, अपने काम कराने के आरोप लगाए हैं और मामले में सपना श्री ने पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया है। मामले में पुलिस का कहना है कि सपना श्री की ओर से मामला दर्ज कराया गया है और मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। मेरी शादी हुई, उनकी भी दूसरी शादी थी, मेरी भी दूसरी शादी थी, ठीक है। आप सब लोग भी, ज्यादातर लोग वहाँ आए होंगे, शहर के बहुत सारे सम्मानित लोग आए, हमने कंठल का एक घर लिया। उसके बाद इस आदमी ने कमाता धमाता कुछ नहीं था, इसने दुनिया में मेरे पे लांछन लगाना शुरू करे। मैं खुद टीवी पर्सनालिटी हूँ, टीवी पर आती हूँ, 10 लोगों से बात करके, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अफेयर किसी के भी साथ है या किसी के साथ नाम जोड़ देने से मुझे कुछ हो जाए। इसके बच्चे 200 पाउंड मूवीज देख रहे थे, मैंने लैपटॉप में पकड़ा, इस आदमी ने वहां से पूरे शहर में मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी। जब इसमें और मेरे में संबंध बिगड़े, मैं अपने घर जाके रहने लगी, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ 5 महीने से एक लड़की रह रही है, क्योंकि मैं यहाँ आती नहीं, मुझे पता नहीं था। पता चला जो मंदिर वाला कमरा है वो बंद रहता है, जैसे ही कोई जना आता है वहाँ ताला लगा रहता है, काम वालियां दो आती है सुबह तब ताला लगा रहता है, और ये कहता मैं कोई पूजा करा रहा हूँ वहाँ पर। ऐसी कौन सी पूजा है जो 15 दिन 20 दिन चल रही है, फिर 2-3 दिन के लिए कहता है आना मत, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, और वो लड़की यहाँ पर इसके साथ रह रही है किस हक से। और चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।